काशीपुर के कई लोगों को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग भी काफी परेशान है, आक्रोश में है, धरने दे रहे हैं। मॉनसून का सीजन है, ऐसे में कई जगहों पर जो है बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिल रही है। वहीं बात करें कि काशीपुर के कई लोगों को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें इसी को लेकर, लोग भी काफी परेशान है, आक्रोश में है, धरने दे रहे हैं, तहरीर दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और लोगों की मांग है कि आखिर जो है ऐसा क्यों हो रहा है, बिजली की इतनी लंबी कटौती क्यों की जा रही है, जबकि काशीपुर में ही जो है जो ट्रांसफार्मर्स जहाँ बनते हैं वो जगह मौजूद है, तो इतना टाइम, इतना वक्त क्यों लग रहा है एक ट्रांसफार्मर को चेंज करने में। तो आपको ले चलते हैं और संबंधित अधिकारी से जानकारी लेते हैं कि आखिर किस तरह से जो है ये कार्य प्रणाली चल रही है और क्या प्रोसेस रहता है अगर कहीं का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो। नहीं, जैसे ट्रांसफार्मर की अगर बात है तो ट्रांसफार्मर हमारा स्टोर यहीं काशीपुर में है, तो ट्रांसफार्मर अगर कोई डैमेज होता है लाइटनिंग की वजह से या कोई भी इंटरनल फॉल्ट की वजह से, तो हम काशीपुर हमारा स्टोर है बगल में, वहां से लाके तुरंत इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास अगर ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है तो ट्रॉली ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल है, बट उसकी अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर हमें स्टोर से मिल गए और हमने उनको रिप्लेस समय कर दिया है। देखिए, कुछ फॉल्ट्स जो हैं वो कुछ केबल्स में आए पिछले दिनों में रहे थे, जिसको हमने रेक्टिफाई कर दिया है। उसी को लेके कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे थे, कुछ इशू आज भी जो पब्लिक आप जो बोल रहे हैं वो आए थे, कुछ कंज्यूमर्स आए थे हमारे पास, वो उसमें भी इशू कुछ और था। उसमें वहाँ पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़नी थी, कैपेसिटी के लिए हमने ट्रांसफार्मर अवेलेबल करा दिया था वहाँ पे, बट वहाँ पे स्थानीय कुछ विवाद हो गया था लोगों का, उस वजह से वो नहीं हो पाया था। तो ये एक ग्रुप आया था हमारे पास, बट हमने उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।